नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSG का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSG का प्रीवियस पेपर है, इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन कालका शिमला रेलवे जर्नी। तो जो कालका शिमला रेलवे यात्रा होती है, इसमें सबसे लंबी जो सुरंग आती है वो कौन सी है? इसमें सबसे लंबी सुरंग आती है ये बड़ोग टनल। बड़ोग टनल जो है, इसमें सबसे लंबी सुरंग आती है। अगर देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में, रेलवे टनल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बड़ोग टनल है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। कितने किलोमीटर लंबी ये टनल है? तो ये 1143 मीटर लंबी जो है वो टनल है। 1143 मीटर लंबी टनल ये कही जाती है। और अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ टनल्स कितनी है इस ट्रैक पर, तो जो ट्रैक है इसमें टोटल नंबर ऑफ टनल्स ओरिजिनली जो है वो 103 थी। ठीक है, 103 टनल्स थी। अभी जो पेंशन का एक चक्कर चला था, उसको लेकर आपने सुना होगा कि 103 के पास जो था लोगों को रोक दिया गया था। तो 103 नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस ट्रैक पर जो है वो सबसे आखिरी टनल जो है वो है 103। उसके बाद शिमला का रेलवे स्टेशन जो है वो आ जाता है, तो इसीलिए वो नाम 103 पड़ा हुआ है। और अभी तो कहा जाता है कि एक टनल कहीं बीच में टूट गई है, तो अभी जो है 102 टनल्स जो है वो बच गई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो ट्रैक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। कब किया गया था? 2008 में जो था वो इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। कब? 2008 में। अब 2008 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 1903 में जो था वो इसका उद्घाटन किया गया था। 1903 में जो था ये बना था। और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे या फिर वायसराय हुआ करते थे, वो कौन थे? वायसराय थे उस टाइम के लॉर्ड, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का नाम भी आप याद रखिए, ये जो था उस टाइम वायसराय हुआ करते थे, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। तो ये आपको इस रेलवे ट्रैक के बारे में पता चला। बाबा भालकू राम भी है। बाबा भालकू राम को जो है वो इस टनल, इस ट्रैक के साथ जोड़ा जाता है। इन्होंने जो था वो अंग्रेजों का उस टाइम मार्गदर्शन किया था कि इस साइड से आप ट्रैक जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये लोकल थे यहाँ के, जिन्होंने जो था वो गाइड किया था। बाबा भालकू राम का नाम याद रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल से संबंध रखते थे। चैल जहाँ पर सबसे हाईएस्ट ग्राउंड है वर्ल्ड का क्रिकेट का, वहाँ से ये संबंध रखते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चली। अगला क्वेश्चन देखिए, 57। यहाँ पर कहा गया है कि नैना देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो नैना देवी मंदिर है, ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर के बारे में बात करें तो बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बिलासपुर में कहलूरी भाषा जो है वो बोली जाती है। नैना देवी मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा वीरचंद के द्वारा जो था वो ये बनवाया गया था। बिलासपुर के राजा थे वीरचंद, जिन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना भी की थी, उन्होंने जो था वो इस मंदिर को बनवाया था। और नैना देवी की बात करें, नैना देवी जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी है। कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। बिलासपुर में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पर जो है वो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बिलासपुर है, बिलासपुर सदर खुद है। दूसरे नंबर पर घुमारवीं आता है, तीसरे नंबर पर झंडूता आता है, और चौथे नंबर पर ये नैना देवी आता है। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र भी याद रखिए। और ये जो नैना देवी है, यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? नैना देवी मेला यहाँ पर लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो अगस्त के महीने में लगता है। ठीक है, ये मेले का मंथ भी याद रखिएगा, अगस्त के महीने में लगता है नैना देवी मेला। और नलवाड़ी मेला मार्च के महीने में लगता है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट नैना देवी के, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में, नैना देवी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं 58 में द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? वो थे श्री NC मेहता। NC मेहता का नाम याद रखना है कि ये पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहली सरकार कब बनी थी, तो फिर 1952 में पहली सरकार बनी थी, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 1952 में जब सरकार बनी थी, तो पहले चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? उस टाइम के पहले चीफ सेक्रेटरी जो था वो कौन बने थे? KL मेहता जो था वो पहले चीफ सेक्रेटरी बने थे। अच्छा, पहले चीफ कमिश्नर तो ये KNC मेहता थे, परंतु पहले डेप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो ये जो EP मून थे, ई पेंडुलम मून इनका नाम था, ये पहले कौन थे? पहले डेप्टी चीफ कमिश्नर थे। ये एस चक्रवर्ती कौन थे? तो एस चक्रवर्ती के बारे में आपको पता ही है कि ये पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। और पहले महिला राज्यपाल कौन थी? वो शीला कौल थी। शीला कौल का नाम भी याद रखिए। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले चीफ जस्टिस मैं आपको बताता रहता हूँ, ये चीज़ें अभी आपको याद हो गई होंगी टिप्स पे जो लोग डेली देखते हैं। पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मिर्जा हिंदुल्ला बेग, और पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ। इन सभी के नाम आप याद रखिए। लोकायुक्त भी पहले पूछे जाते हैं कई बार, तो
लोकायुक्त थे जस्टिस टी वी आर तत्ताचारी, जस्टिस टी वी आर तत्ताचारी का नाम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 108 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं हु कमांडेड द मुगल फोर्सेज विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620, 1620 में कांगड़ा के लिए वो अपने अधीन करने वाले मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो किसने किया था। 1620 में जो था वो कांगड़ा किले को अपने अधीन किसने किया था, ये जब अधीन किया गया था तो सेना का नेतृत्व जो था वो नवाब अली खान कर रहा था। तो नवाब अली खान इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब नवाब अली खान जो था वो इससे सेना का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ से आपको क्या बात है ध्यान रखनी है कि कांगड़ा किले का जो पहला मुगल किलेदार था वो कौन था, कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार जो था वो कौन था, वो था नवाब अली खान, इनका ध्यान रखिए आप। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ जा सकता है कि नवाब अली खान ने जो था वो कब कांगड़ा किले को पर कब्जा किया, तो 1620 में जो था वो इसने कांगड़ा किले पर जो था वो कब्जा कर लिया था। बाकी तो देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है कांगड़ा किले के बारे में कि 1009 ईस्वी में जो था इस किले को जो था वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा प्लंडर किया गया था। 1009 ईस्वी के बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। उसके बाद 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा फोर्ट को अपने अधीन किया था या फिर लूटा था, इस तरह से कह लीजिए। तो ये आपने ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक 1009, 1337, उसके बाद 1365, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है इनके बारे में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 106, 106 क्वेश्चन में पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इन विच सेंचुरी वॉज मंडी स्टेट फाउंडेड, मंडी ये जो स्टेट था इसकी स्थापना जो था वो कौन सी शताब्दी में की गई थी। देखो कहीं पर लिखा गया है कि मंडी की स्थापना जो था वो 1200 ईस्वी के आसपास की गई थी, कहाँ पर लिखा गया है कि मंडी की स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है कि मंडी की स्थापना कब की गई थी, मंडी राज्य की स्थापना या फिर मंडी रियासत की स्थापना। तो स्थापना के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे कि कब की गई थी, क्योंकि कहीं पर 1200 कहीं पर 1000 ईस्वी लिखा गया है, परंतु बात करते हैं कि स्थापना की किसने थी इसकी। तो मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहू सेन के द्वारा की गई थी। अब राजा बाहू सेन ने जो था वो मंडी रियासत की स्थापना की थी, मंडी शहर की स्थापना किसने की थी वो राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। 1526 1527 के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, 1527 के आसपास स्पेशली। और फिर मंडी को इसने अपनी राजधानी भी बनवा लिया था, इसने भूतनाथ मंदिर भी बनवाया था। मंडी के एक राजा थे ईश्वरी सेन, जिनको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। मंडी के एक ऐसे राजा भी हुए जिनके कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जो था वो मंडी आए थे, उनका नाम था राजा सिद्ध सेन। और भी मंडी के बारे में डिटेल में क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको मंडी की जो स्पेसिफिक वीडियो बनी थी जगमन बलोखरा का किताब का पार्ट पार्ट 9 था वो, पार्ट 9 में आपको वो मिल जाएंगे, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला 110 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गांधी जी ने जो था वो शिमला पहली बार विजिट कब किया था। देखो गांधी जी कब कब शिमला आए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, खासकर सबसे पहली बार शिमला कब आए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली बार ये शिमला कब आए थे, तो 1921 में ये सबसे पहली बार शिमला आए थे। अब 1921 में जब ये शिमला आए थे तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि रुके कहाँ पर थे, तो महात्मा गांधी जो था शांति कुटीर में जो था वो रुके थे। आकर शांति कुटीर का नाम याद रखे, यहाँ पर रुके थे। आए क्यों थे, तो उस टाइम ये लॉर्ड रीडिंग जो कि वायसराय होते थे उनके साथ मिलने के लिए आए थे। उसके बाद भी वो कई बार शिमला आए, जैसे कि 1931 में भी इन्होंने बहुत विजिट शिमला के किए थे। जब 1931 में ये आए थे तो उस टाइम ये यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे, लॉर्ड विलिंगडन के साथ शिमला में मीटिंग करने के लिए आए थे। जुलाई 1931 में इन्होंने फिर से स्टे किया, विजिट किया था यहाँ पर लॉर्ड विलिंगडन से मिलने के लिए, तो उस टाइम ये रुके थे फायर ग्रोव बिल्डिंग में आकर ये रुके थे जुलाई में। उसके बाद अगस्त में भी इन्होंने विजिट किया था शिमला का, अगस्त 1931 में भी ये आए थे, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1921 और ये कहाँ पर रुके थे उस टाइम आकर। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी, तो पुरान मंडी में जो शिवरात्रि मेला होता है पुरानी मंडी में वो जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट जो था वो करवाया गया था। देखो आजकल शिवरात्रि का मेला चला हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मंडी का शिवरात्रि का मेला जो था वो किसके द्वारा शुरू करवाया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेला जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। राजा अजबर सेन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये मेला मंडी में कहाँ पर होता है, मंडी के पड्डल ग्राउंड में ये मेला होता है। और मंडी में जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको माना जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी ध्यान रखिए। अगर और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला लवी मनाया जाता है, ये राजा टिहरी सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। शिमला के बुशहर में जो है ये मेला मुख्य रूप से मनाया जाता है। मिंजर मेला जो कि चंबा में मनाया जाता है, इसको जो था वो राजा साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था मिंजर मेले को। और ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है और ये मेला जो है वो अगस्त के महीने में मनाया जाता है स्पेसिफिक रूप से, या फिर आप कह लीजिए कि सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो मनाया जाता है।
कुल्लू का जो दशहरा है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। कुल्लू का दशहरा जो है वो कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में होता है, और ये मेला जो है वो कुल्लू में मुख्य रूप से मनाया जाता है। 1651 में जो था वो इसको स्टार्ट करवाया गया था। उस टाइम कुल्लू के राजा राजा जगत सिंह होते थे, और राजा जगत सिंह को जो है वो कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मेले जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर पूछते हैं इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस, तो हिमाचल प्रदेश में जो था वो किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ये 1956 में हुआ था। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये 1956 में गठित किया गया था। और बात करें कि 1956 में और क्या हुआ था, तो 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी जो था वो बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो था वो 1956 में बन गया था, और 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। और 1971 में इसको भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना दिया गया था, दर्जा जो था बढ़ा दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश से, इसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जो था वो बना दिया गया था। ये याद रखिए आप इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश का वैसे गठन कब हुआ था, तो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था, 1951 में ये भाग सी राज्य बना था। बिलासपुर भाग सी राज्य जो होता था उसका विलय 1954 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी, तब आप आंसर कर पाएंगे। अगला 159 क्वेश्चन देखिए, रेणुका मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। रेणुका मेला आप सभी को पता है कि सिरमौर में लगता है, सिरमौर में रेणुका मेला लगता है। अब रेणुका मेला तो सिरमौर में लगता है, परंतु ये लगता कब है, तो ये दिवाली के 10 दिन बाद लगता है, 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है ये मेला सिरमौर में जो है वो लगता है। अगर बात सिरमौर की किया जाए, तो सिरमौर के बारे में मैंने कल ही आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि सिरमौर में जो था वो कटाशन देवी का मंदिर किसने बनवाया था। सिरमौर में राजा जगत प्रकाश के द्वारा ये कटाशन देवी का मंदिर जो था वो बनवाया गया था। सिरमौर में और क्या क्या मैंने आपको बताया है, महिमा लाइब्रेरी यहाँ पर स्थित है जो कि राजा अमर प्रकाश ने बनाया था। महिमा उनकी पुत्री का नाम था जिसके नाम पर इन्होंने ये रखा था। राजा अमर प्रकाश की मृत्यु जो था वो ऑस्ट्रिया में हुई थी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इनकी मृत्यु वैसे एग्जैक्टली हुई थी। और सिरमौर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। और सिरमौर के बारे में हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, लिटिल मेमोरियल, लिटिल मेमोरियल जो है वो सिरमौर में स्थित है, और राजा शमशेर सिंह प्रकाश के द्वारा ये बनवाया गया था, शमशेर प्रकाश के द्वारा। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिरमौर के राजा कौन होते थे, तो वो भी राजा शमशेर प्रकाश ही हुआ करते थे। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि सिरमौर ये जो रियासत थी, सिरमौर जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी। सिरमौर रियासत की बात कर रहा हूँ, उसकी स्थापना किसने की थी ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन 160 नंबर। यहाँ पर बोलते हैं पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पहले उनकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे पिन वैली नेशनल पार्क की। अभी पिन वैली नेशनल पार्क दोस्त लाहौल स्पीति में स्थित है। हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। हिमालयन नेशनल पार्क के अलावा जो है और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, जैसे कि एक सिंबल भरा नेशनल पार्क हो गया जो कि सिरमौर में स्थित है, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया जो कि सिरमौर में स्थित है, इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया जैसे कि ये भी कुल्लू में स्थित है। तो इंद्र किला, खीर गंगा कुल्लू में स्थित है, सिंबल भरा जो है वो सिरमौर में स्थित है, पिन वैली जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ग्रेटर हिमालयन ये जो है ग्रेटर हिमालयन कुल्लू में स्थित है। अभी बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क की। पिन वैली नेशनल पार्क कब बना था, ये 1987 में जो था उसको नेशनल पार्क जो था वो डिक्लेयर किया गया था। कब, 1987 में, 1987 में इसको नेशनल पार्क जो था वो डिक्लेयर किया गया था। ये याद रखिए, कहा जा रहा था कि गोपालपुर जो कि चिड़ियाघर है उसको एक नेशनल पार्क जो है वो बना दिया जाएगा, परंतु जब ये क्वेश्चन तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक इसको बनाया नहीं जाता। जब बनाया जाएगा तब इसके बारे में बात करेंगे कि ये भी जो है एक नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का बन गया। अभी बनाया नहीं गया है तो ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें कि गोपालपुर चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है, तो ये वैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु अभी नेशनल पार्क नहीं बना है तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो सब आपने जान लिया। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये कहाँ पर स्थित है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 14,800 से भी अधिक फॉलोअर हैं, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ईजिली आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्विजीज आपको मिल जाएंगे, इन क्वेश्चन के क्विजीज मिल जाएंगे,
और पीडीएफ्स मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट, सब कुछ टेलीग्राम पर दे दिया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।